अरे गुड्डू जरा दूध पट्टी तो लाना लाना लाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की न ही मशहूर न ही मारूफ अदाकारा खालिदा बेगम। मेरा नाम मंशा पाशा है। क्या? मंशा, मंशा पाशा है। हाय, इतना मर्दाना नाम। कहीं तुम में से मियां मंशा की पुपीजात बहन की शाली की ननन तो नहीं हो? नहीं। खैर, ये बताओ कि क्या खाओगी पियोगी? अब दूध पत्ती में दादी पे आई हूँ तो दूध पत्ती ले लूंगी मैं। थैंक यू। तो ले आई हूँ क्या? दूध पत्ती। चले रहने दे, फिर पानी पिला दे प्लीज। चुल्लू भर चलेगा? कितनी अच्छी बातें करती हैं आप। चलो मजीद अच्छी बात करती हूँ। तुमने अपने कैरियर का आगाज हम सफर ड्रामे से किया और मायरा खान की वालिदा मोहतरमा का रोल बखूबी निभाया। ये बताओ कि तुम जैसी एक्ट्रेस को हम सफर जैसा ड्रामा कैसे मिला? नहीं, मैंने वालदा का रोल नहीं किया था, उसमें मेरी गेस्ट अपेयरेंस थी। एक्चुअली उस वक्त मैं लाइन प्रोड्यूसर थी और कोइंसिडेंटली उन्होंने कहा कि आप ये कर... अच्छा, बस पकाओ मटन। मैंने अपने बचपन से तुम्हें जूनियर आर्टिस्ट और एक्स्ट्रा के रोल्स में देखा है। आगे भी यही गोल, यही एम्बिशन है? दादी बस आपकी दुआएं हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। काफ़ी आई थिंक काफ़ी अच्छे ड्रामे किए मैंने, मुझे हम टीवी की तरफ से अवार्ड भी मिला है। 20 साल हो गए उस अवार्ड को? नहीं, अभी 2 साल पहले की बात है। अरे जाने दो। वैसे तुमने हुमायूं सईद के साथ बहुत काम किया है, इसकी कोई खास वजह? दादी अभी तक मेरी इतनी खुशनसीबी नहीं रही कि मैं उनके साथ कोई भी काम कर सकूं। बॉलीवुड और हॉलीवुड में आने का कोई इरादा है या वहां से तुम्हें कोई पूछता नहीं? मुझे हर जगह से लोग पूछते हैं। हाँ, जैसे कि सब्जी और दूध वाले कि बाजी हमारे पैसे कब वापस करोगी। डैम, माशाल्लाह तुम्हारी फिल्म आने वाली है जी। चले थे साथ और फिर कहाँ गए? क्या मतलब? मतलब क्या था? नहीं, चले थे साथ। क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? नहीं, चले थे साथ और फिर कहाँ? नहीं, जो कि समझ आए। नहीं, सिंधी में बताओ। तो जो ना लोचा है बिजा तीर बिजा। चलो कोई बात नहीं, अब हमारी ऑडियंस को चले थे साथ के बारे में कुछ बताओ। शाबाश शाबाश। ये फिल्म हमने हुंजा और गिलगित में शूट की है। इसमें जाले सरदी है, सायरा शेरोज़ है, उसामा ताहिर, फारिस और एक एक्टर है जो बाहर से आए हुए हैं, चाइना से आए हैं। केंट नाम है उनका। है? केंट। टॉम यम सूप। चाइना से आए टॉम यम। अच्छा, जरा कहानी तो सुनाओ हमारी ऑडियंस को। इट्स एक दोस्तों की कहानी है। ये जाते हैं हुंजा गिलगित और सब अपनी अपनी अलग जिंदगी जी रहे हैं और काफी रियलाइजेशंस होती हैं सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को। दादी, दादी, इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा, अब तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो, क्या हो जाओ? काट लो, मेरे रूम्बा का टाइम हो गया है। रूम्बा? वाकई? हाँ वाकई, लेकिन जाने से पहले एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जरूर लेके जाना। अच्छा, क्या देंगे? ये जुराबे तुम्हारे काम आएंगे, सर्दी हो रही है ना। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। अरे लो ना, टोपा है। नहीं नहीं, अरे लो, मेरे पास है। थैंक यू, आप रखें, आप पास। क्या नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मटिया बेगम के साथ इंटरव्यू पसंद आया होगा। इनके लिए कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर छोड़ दीजिएगा, मैं खुद जवाब दूंगी। पीस। अब चली बिजा, तुम क्या हो, दावत पे आई हो?